Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic, that is bioenergetics. What does it mean? The word bio means living organisms. It is about life. It is about living organisms, jandar. And energetic is the use of energy or the transfer of energy and how the living organisms produce energy and where they make use of that energy is called bioenergetic. It's basically that comes in bioenergetics. ये जो chapter है आप लोगों का bioenergetics, इसमें हम study करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि bio जो living organisms हैं, जो जानदार हैं, जो life है that exists on earth, ये जो living organisms जो जानदार हैं, ये कैसे energy प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं और इस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव. जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए, अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सेल को एक्टिव रहने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, जैसे कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, मूव करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, मटेरियल को सेल के अंदर सेल से बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, लाइफ के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है. एनर्जी के बगैर उनका ज़िंदा रहना मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है. एनर्जी इज़ रिलेटेड टू फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म. एनर्जी को कहाँ से हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जो भी खुराक लेते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी इज़ रिलेटेड टू फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो अपने खुराक से, अपने फूड से एनर्जी हासिल करते हैं. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स में पॉसिबल है. प्लांट्स जो ग्रीन, जो हमारे पास प्लांट्स हैं, एल्जी है और ब्लू ग्रीन एल्जी जो बैक्टीरिया है, वो सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन मेकिंग. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके जब प्लांट्स, पौधे, एल्जी या फिर ब्लू ग्रीन एल्जी, बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद बना सके इन ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बनाए, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना खाना, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. तो फोटोसिंथेसिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द फूड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, मौजूदगी में जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पौधे हो गया, एनर्जी हो गया, ब्लू ग्रीन एनर्जी बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को फिर सेलुलर रिस्पायरेशन में सेल के अंदर इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और फिर उसके बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है उसे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कामों के लिए. तो जो सोलर एनर्जी थी, जो सूरज की रोशनी से जो एनर्जी यूज़ हो रही थी, दैट इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी. सूरज की रोशनी से में जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ग्लूकोज बनाया. सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. सनलाइट की जो एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी, और उसको इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया ग्लूकोज में. और ग्लूकोज एक केमिकल एनर्जी, ये ग्लूकोज इज़ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जिसके बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसे ग्लूकोज के फॉर्म में जब एनर्जी है तो उसे कहा जाता है केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट किया जाता है. फिर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है जिसमें एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, जब एनर्जी स्टोर होती है बॉन्ड्स में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ग्लूकोज के पास पोटेंशियल एनर्जी है. और अभी सेलुलर रिस्पायरेशन जो एक और प्रोसेस है, वेरी कॉमन प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे वो एनर्जी हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की
जाती है और इनके जो बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर है इसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल उस ग्लूकोज की बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस बॉन्ड्स को तोड़ती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उसके बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर है उसे कन्वर्ट किया जा सके काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज। सेल उसको एनर्जी को इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ कामों के लिए और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो एटीपीज बनते हैं, एनर्जी करेंसी बनता है सेल का जिसमें एनर्जी स्टोर होती है और उसको आगे फ्यूचर में सेल अपने मुख्तलिफ कामों के लिए एटीपी को इस्तेमाल कर सकता है। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स एल्जी और ब्यूटीन एल्जी बैक्टीरिया में। प्लांट सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं, फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। और रिस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए जब सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसे रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन जो प्लांट्स हैं, जो एल्जी है और जो ब्लू ग्रीन एल्जी है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, वो सिर्फ कर सकते हैं। जबकि रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, और जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, एल्जी, प्रोटिस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जानदार हैं, उनमें ये सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स हो गए, एल्जी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्जी, बैक्टीरिया हो गया, वो तो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, फिर जाके उनको सेल में उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं ताकि उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल कर सके। जबकि जो बाकी एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर दिस ग्लूकोज। जैसे कि जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं, वो प्लांट्स पे को खाते हैं, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, फिर उन एनिमल्स को, हर्बीवोर्स को जो एनिमल्स खाते हैं, वहाँ से एनर्जी दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफ़र होती है कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स हम जैसे ओमनीवोर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, तो हम अपने खाने में, अपने फूड में इनसे हमें फिर ग्लूकोज मिलता है, और फिर उस ग्लूकोज को भी हम अपने सेल्स में उनकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करते हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। सो सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो सनलाइट की एनर्जी है उसे चेंज किया जाता है ग्लूकोज में, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। एनर्जी रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोएनर्जेटिक्स जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी how it is related, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिलेटेड है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी कन्वर्जन कैसे होती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसे कन्वर्ट की जाती है, उसे चेंज की जाती है इनटू केमिकल एनर्जी एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है जिसके बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है और सेलुलर रिस्पायरेशन में उस एनर्जी की ब्रेक डाउन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की जाती है, उसे तोड़ा जाता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ताकि बहुत सारे एटीपीस, मैक्सिमम एटीपीस बनाए जा सके, जो कि एक स्टोर फॉर्म ऑफ, अगेन अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे सेल मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलती है. जैसे प्लांट्स अपना ग्लूकोज खुद बना सकता है और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. और प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं, जो पौधे खाने वाले जानदार हैं, वो प्लांट्स से अपनी एनर्जी लेते हैं. और जो कार्निवोर्स हैं, जो गोश्त खाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फिर उनसे हर्बीवोर्स से पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं और अपना खुराक बनाते हैं. इसी तरह हम लोग एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को खाकर अपना फूड बनाते हैं, अपना खुराक. और वहाँ से हमें फिर ग्लूकोज मिलता है जिसकी हम सेल के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी हासिल करते हैं. कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. जब किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर होती है बॉन्ड्स में, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और जब उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है उन और वो एनर्जी बाहर रिलीज होती है और इस्तेमाल हो रही होती है, दैट इज़ इन एनर्जी इन यूज इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इन मूवमेंट, दैट इट हैज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. हमारे पास जितने भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो एक मेन प्रोसेस है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए ताकि एनर्जी हासिल की जा सके, और सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है ताकि उससे एनर्जी बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हो और उसे इस्तेमाल किया जा सके, तो दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन प्रोसेस होता है. वट इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को साथ में कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो, एक प्रोसेस में साथ साथ ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हों, तो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. वट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है. एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, अपना एक हाइड्रोजन एटम लूज कर रहा होता है. जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन को लूज करने का मतलब ये है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फॉर्म में लूज करता है. एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लूज करेगा, हाइड्रोजन अपना रिमूव करेगा, जिसके वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. एंड द वर्ड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन. अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जब वो एक हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन रिसीव करेगा, इस वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को लूज करना, एक मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को अपने मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाता है, वो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना. सो रिडॉक्स रिएक्शन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास मूव करता है. एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है. और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इस तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. And the transfer of molecule from one place to another place also produces energy. इससे भी energy produce होती है, जिसके वजह से ATPs बनते हैं, energy currency, that is energy currency of the cell. Respiration में भी जब glucose molecule की breakdown हो रही होती है, in that as well it is a gain and lose and gain of electron, and during that as well respiration process as well energy electrons की movement है, जिसमें bonds टूट रहे हैं, electrons move कर रहे हैं from one place to another, and it produces energy. ठीक है. So फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में, दोनों प्रोसेसेस में
इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को, लेने के प्रोसेस को, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहा जाता है। सो ये फोटोसिंथेसिस में भी होता है ये प्रोसेस, जब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो, और रिस्पायरेशन में भी ये चीज़ हो रही होती है। थैंक यू सो मच, दैट वॉज एंड ऑफ द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।